तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इसरो का नाविक यानी इंडिया का नाविक सिस्टम या गूगल मैप से गूगल अर्थ कौन से बेटर इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है। तो नाविक का सबसे बड़ा वीडियो मेरे चैनल के ऊपर और नाविक वीडियो के एक बड़ा अपडेट प्लान किया है मैंने, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखो। एक मेजर वीडियो आने वाला है और काफी अलग होने वाला है, थोड़ा टाइम दो बस। पर और उसमें कॉमन क्वेश्चन देखा है मैंने कि क्या नाविक गूगल मैप्स की तरह फोटोज ले सकता है या गूगल अर्थ की तरह फोटोज ले सकता है। सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है। गूगल मैप से गूगल अर्थ की इमेजिंग वाइज एक कॉम्पिटिटर है इंडिया का, जो मैं आज एक्सप्लेन भी करूंगा और जो बहुत ज्यादा केपेबल है। उसमें हम 50 साल पुरानी इमेजेस भी देख सकते हैं, हमारे गांव के वगैरह दिखाऊंगा आपको। पर पहले जानती है क्वेश्चन क्यों गलत है, ये सवाल क्यों गलत है। नाविक जो है वो एक नेविगेशन सिस्टम है, वो आपको नेविगेशन डेटा देगा। ये सैटेलाइट्स आपको नेविगेशन डेटा देंगे आपके फोन को। इसमें कैमरा वगैरह नहीं लगा है, उसका फोटो लेने का काम नहीं है नाविक का। ये नेविगेशन डेटा आपके फोन के ऊपर आएगा अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो। नाविक की तरह अमेरिका का जीपीएस है, यूरोप का गैलीलियो है, रशिया का ग्लोनस है। आपका फोन जो सपोर्ट करता है वो यूज कर पाएगा। फिर गूगल मैप्स के ऊपर है उसको कौन सा डेटा मिलता है, वो नाविक भी इस्तेमाल कर सकता है, ग्लोनास या जीपीएस या सब साथ उसके ऊपर है। तो ये था बेसिक। पर फिर गूगल मैप्स या गूगल अर्थ का कंप्यूटर कौन है इंडिया में? इसरो का एक जियो पोर्टल है जिसका नाम है भुवन। आज मैं सबको आपको भुवन के बारे में समझाऊंगा और कैपेबिलिटीज दिखाऊंगा। तो ऐसे कुछ दिखता है भुवन का पेज। आज ज्यादा ओवरवेल मत हो, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, इंक्लूडिंग जो प्रॉमिस किया मैंने 50 ईयर ओल्ड डेटा आपके गांव का या आपके शहर का जो भी है। तो ज़्यादा हम मेन फोकस करेंगे भुवन 2D और भुवन 3D पे। ये बाकी सब आपको बाद में ब्रीफली बता दूंगा मैं। तो अभी भुवन 3D पे जाते हैं पहले। तो ऐसे कुछ दिखेगा आपको भुवन, आप पहले जब फर्स्ट टाइम इसे खोलते हो तभी। भुवन 3D इसलिए पहले क्योंकि भुवन 2D में ज़्यादा कैपेबिलिटीज है। तो ये जल्दी मैं दिखा देता हूँ आपको भुवन 3D। तो ये गूगल अर्थ की तरह आपको मिलेगा, आप कहाँ भी जा सकते हो, पर मोस्टली डेटा फोकस जो है वो इंडिया के ऊपर है। तो हम जाएंगे मेरे फेवरेट स्पॉट के ऊपर, हम जाएंगे श्रीहरिकोटा जहाँ इसरो का लॉन्च साइट है, यहाँ सुलुरुपेटा। तो ये रहा इसरो का लॉन्च साइट। अब मैं काफ़ी जूम कर सकता हूँ आप जैसे आप देख रहे हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो है ये हमारा फर्स्ट लॉन्च पैड है। तो यहाँ से फर्स्ट लॉन्च पैड है हमारा और इसके साइड में ही है हमारा सेकेंड लॉन्च पैड, ये ज़्यादा बड़ा वाला है। और यहाँ आप देखेंगे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ रॉकेट्स असेंबल होते हैं। अभी सिंस थोड़ा ओल्ड इमेज है तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, पर इसका कंस्ट्रक्शन हो गया और ये यूज़ भी है सेकेंड वे भी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अगर हम थोड़ा पीछे आएंगे तो ये है हमारा फर्स्ट रॉकेट्स SLV और ASLV के लॉन्च साइट्स। अब यहाँ देखोगे एक ASLV का एक मॉडल भी पड़ा हुआ है। अब सिंस ये इमेज ओल्ड है, नई इमेजेस में आपको GSLV Mark III का भी मॉडल दिखेगा। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक अलाउड नहीं है यहाँ पे, वो बस कुछ लोगों को ही मिलता है जाने के लिए यहाँ पे। तो शायद फ्यूचर में मिले हमें जाने यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बेसिक कंट्रोल यही, अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आप ड्रैग कर हिला सकते हो इस मैप को, अगर आप मिडल माउस दबाओगे तो आप रोटेट कर सकते हो और टिल्ट भी कर सकते हो ऐसे, तो पूरे मैप को आप टिल्ट कर पाओगे। और यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स भी मिल रहे हैं हमें, जैसे स्नैपशॉट। अगर मैं स्नैपशॉट दबाऊंगा तो सीधा ये पूरा स्क्रीनशॉट डाउनलोड हो जाएगा। अगर मेरे को सपोज वीडियो लेना है तो अभी मैं जूम आउट वीडियो ले लेता हूँ एक, तो मैं सिंपली यहाँ टूल्स पे आऊँगा, रिकॉर्ड एंड प्ले, यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग दबा दूंगा और फिर जहाँ चाहिए वहाँ मैं जूम इन कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे आना है मेरे को और यहाँ जूम इन किया और फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग दबा दिया और डाउनलोड दबा दिया और वो जो भी मैंने अभी किया वो वीडियो में फॉर्म में मिल जाएगा मेरे को अभी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, आपको काफ़ी सारे इसरो के वीडियोज़ में भी देखने मिलेगा। अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये वाटरमार्क दिखेगा आपको NRSC/ISRO। NRSC मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो का, जो ये सब एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है। और भी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं यहाँ पे, तो मैं इसके ऊपर ड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो मेरे को अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है तो मैं एक क्लिक करूँगा, उसे ड्रैग करूँगा। ओ ये नहीं चला, एक क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, यप, तो ये एक रेक्टेंगल सा बन गया। ये ग्लिच हो रहा है क्योंकि ये 3D एनवायरनमेंट में है, आप 2D में ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हो। और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल्स है। सपोज मेरे को इस आइलैंड का एरिया मेजर करना है इसरो के आइलैंड का, तो मैं सिंपली यहाँ टूल्स पे आ सकता हूँ, मेजर एरिया, और फिर मेरे को जो चाहिए वहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करने स्टार्ट करूँगा उस बॉर्डर के एरिया के ऊपर। तो ऐसे डॉट्स डॉट्स आने लगेंगे, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये सब मैं क्लिक करते जाऊँगा एरिया, और जब फाइनल पॉइंट पहुँचूँगा तो मुझे बस डबल क्लिक करना है
और फिर मेजर एरिया दबा दूंगा। तो आप देख सकते हो 131.55 स्क्वायर किलोमीटर इतना मेजरेबल ये जो ब्लू कलर पार्ट है उतना, तो काफ़ी बड़ा आइलैंड है आप देख रहे हो। पर अगर मेरे को लेंथ मेजर करना है तो वापस मैं टूल्स पे आ सकता हूँ, मेजर डिस्टेंस, मैंने यहाँ पे एक डॉट किया और सेकेंड जो पॉइंट है आप क्लिक कर सकते हो, तो ये 3D स्पेस में भी मैप हो जाता है। और आप देख सकते हो 18.942 किलोमीटर लंबा है ये आइलैंड और बहुत बहुत बड़ा है ये आइलैंड, तो आराम से हम रनवे वगैरह बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस तरह देखूँ इसका डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखूँ तो 8 किलोमीटर है ये लॉन्गेस्ट पार्ट, जो बहुत बढ़िया है। तो काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं हमें इसमें। एक और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च ओरिएंटेड थिंग, थोड़ा होल्ड करो मेरे साथ, सबको नहीं समझे में भी, पर इंटरेस्टिंग है। अगर मेरे को इस लाइन में कैसे ऊपर नीचे जा रहा है टेरेन देखना है, तो मैं सिंपली टेरेन प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहाँ एक डॉट किया, यहाँ एक डॉट किया, तो इस लाइन के ऊपर कैसे चेंज हो रहा है प्रोफाइल देखने के लिए, मैं सिंपली शो टेरेन दबा सकता हूँ और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे टेरेन प्रोफाइल आ गया है। मतलब 10 पॉइंट्स ऑफ डेटा में कैसे टेरेन चेंज हो रहा है, तो 6 मीटर से कभी 11 मीटर जा रहा है, कभी 14 मीटर, तो ऊपर नीचे फ्लैट नहीं है वो लैंड। और आप ये डेटा यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड डेटा टेक्स्ट फाइल, या यहाँ क्लिक करेगा तो डाउनलोड प्लॉट एस पीएनजी, तो ग्राफ डाउनलोड हो जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भुवन 3D, नो डाउट। अब 2D में जाते हैं, 2D में पूरा मसाला है, तो भुवन 2D देखेंगे अभी हम लोग। तो आप भुवन 2D ओपन करती ये दिखेगा आपको, ये इंडिया का मैप है, आप देख सकते हो प्रॉपरली। अभी मैं कहाँ भी जूम कर सकता हूँ, जैसे मैंने किया अब मैं गोवा पे जूम करता हूँ। अब ये आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर बहुत है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो फिर टाइम लगेगा उसे। तो फिर मैं गोवा में जाता हूँ अभी, सिंस यहाँ मार्किंग नहीं दिख रहा मेरे को, गेस करना है, तो ये रहा गोवा। तो ये हमारा बेसिक हुआ, ये बेसिक सैटेलाइट मैप जैसे मैं जूम कर सकता हूँ। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं बेस एडमिन दबा सकता हूँ, मैप में आके बेस एडमिन, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मैप है, तो मैं जूम आउट करके दिखाऊँ आपको। तो ये बेसिक का आपको पूरा डिविजन्स वगैरह मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट्स के वगैरह। अगर मैं यहाँ आता हूँ बेस हाइड्रोलॉजी, तो आपको हर एक रिवर फीचर का डिटेल मिलेगा पूरे देश का। तो आपको अगर ज़्यादा ग्रैनुलर देखना है तो आप वो जूम इन करके भी देख सकते हो डेटा हर एक रिवर का, छोटे स्ट्रीम्स का, जो भी है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, तो ये बेस एडमिन जैसे मैंने कहा। और फिर टेरेन का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे एलिवेशन चेंजेस हो रहे हैं पूरे देश के। तो आप देख सकते हो कोस्टल जो है वो बहुत लो लाइंग है, और काफ़ी सारे हिल्स वगैरह भी है साउथ इंडिया में भी एकदम टॉप। और यहाँ अगर एवरेस्ट तक आऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ बहुत टॉल माउंटेंस वगैरह इस एरिया में। आप देख सकते हो अक्साय भारत का भी एरिया काफ़ी माउंटेनस रीजन है। और एक और बेस्ट थिंग, मतलब सिंस यहाँ सब टॉगल्स है, अब सपोज़ मेरे को ये टेरेन का एक लाइव सैटेलाइट देखना है, मैं यहाँ जूम कर सकता हूँ और सिर्फ सैटेलाइट हिट कर सकता हूँ, फिर इस पार्ट का सैटेलाइट मैप मिल जाएगा मेरे को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें। और इसके बजाय अगर मैं यहाँ मोर पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं मेरे को। अगर मैं भुवन पे टैप अनचेक करता हूँ तो वो सब डिसअपियर हो जाएंगे और प्रॉपर बस सैटेलाइट मिलेगा मेरे को। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। उसके बजाय यहाँ और टॉगल्स है, जैसे एप्लीकेशंस, फॉरेस्ट्री वगैरह। फॉरेस्ट्री एक इंटरेस्टिंग है, सपोज़ मैं हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को दूसरे पेज पे लाएगा वो, जहाँ बस हिमाचल प्रदेश का दिखा रहा है। और फिर यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस है, सपोज़ मैंने लैंड यूज़ कवर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो मैप चेंज हो रहा है, पर ये कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली आप लेजेंड पे टाइप कर सकते हो, लेजेंड पे टाइप करते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो बिल्ट अप रूरल अर्बन काफ़ी कम है यहाँ हिमाचल प्रदेश में, बिल्ट अप रूरल भी काफ़ी सारा ज़्यादा है, पर ये जो बैरन लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, आप देख सकते हो बैरन अनकल्टिवेटेड वगैरह। सेम दूसरे चीज़ों के लिए अगर वेस्ट लैंड वगैरह देखना है तो आप ये लेजेंड टाइप करके पूरा डिटेल ले सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, विलेजेस देखने आपको कंगरा के, तो ऐसे डिवाइड होके आता है, आप सिंपली क्लिक कर सकते हो जहाँ चाहिए वहाँ पे, तो ये आपको तालुका वगैरह मिल जाएगा और उसका पॉपुलेशन भी। सेम विद विलेज लोकेशंस, तो आपके डॉट डॉट में दिखेंगे कहाँ कहाँ विलेजेस है करके। तो आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे विलेजेस है, उस पर भी आप क्लिक करके पता लगा सकते हो, तो एक या तो स्पीटी वैली में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक, तो यहाँ से और काफ़ी चीज़ें मिलेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, गोवा में आना पड़ेगा मेरे को यहाँ समझाने के लिए।
तो यहाँ जाते हैं पेंजिम में। पेंजिम गोवा का कैपिटल है। तो ये रहा पेंजिम। और अगर मैं यहाँ आऊँ तो मैं डेटा चेंज कर सकता हूँ, मतलब जब आप जूम करते हो ऑटोमेटिकली वो मोस्ट हाईएस्ट रेजोल्यूशन डेटा ले लेता है। और इंडिया में बाय लीगली 1 मीटर डेटा ही अलाउड है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उतना सेट किया है लिमिट। हमारे स्पाई सैटेलाइट जैसे ज़्यादा ले सकते हैं पर वो हम एक्सेस नहीं कर सकते पब्लिक। तो यहाँ पे मैं डेटा चेंज कर सकता हूँ अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर सैटेलाइट का चाहे। तो आप 2.5 मीटर देखोगे तो बहुत अनशार्प है इमेज। तो ये आप कर सकते हो। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद वो 50 साल पुराना डेटा कैसे दिखते हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो जस्ट 2 मिनट होल्ड करो मेरे साथ। तो ये रहा भुवन का पेज। भुवन 2D 3D तो हम लोगों ने देख लिया। ओपन डेटा आर्काइव ये बेस्ट चीज़ है, यहाँ से आप वो पूरा डेटा डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने दिखाया है जो नहीं दिखाया वो सब कुछ कर सकते हो डाउनलोड, कोई इश्यूज़ नहीं है। आप पर्टिकुलर ग्रेड वगैरह सिलेक्ट कर सकोगे। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, थीमेटिक सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ओशन सर्विसेज, यहाँ पे ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप प्रीवियस फ्लड्स वगैरह भी देख सकते हो प्रॉपर मैप में ये करके। और यहाँ काफ़ी सारे और चीज़ें हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको एक दिन गीक आउट करो इस वेबसाइट के ऊपर, काफ़ी सारे चीज़ें हैं यहाँ पे इस देश के बारे में पता चलने के लिए। तो हो सके तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना। और आगे 50 साल पुराना दिखाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसरो के वॉलपेपर्स चाहिए, मतलब जो मैंने बनाए हैं 3D वाले, फिर अगर आपको मेरा प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, हम वहाँ पूरा चैटिंग वगैरह करते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें करते हैं, तो आप ज़रूर मेंबरशिप लेना कंसिडर करो। बस 29 रुपीज़ से ही स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा, उसके ऊपर के टीयर्स भी है। और अगर आप नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन कंटेंट किसी के लिए चेंज नहीं हो रहा है। तो सब्सक्राइब करो। अभी हम देखेंगे कि कैसे मिलेगा हमें पुराना डेटा। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पेंजिम साइड में हूँ, ये गोवा का कैपिटल है, ये गोवा का कैपिटल है पेंजिम। तो अभी मेरे को इसका ओल्ड डेटा देखना है, मतलब 50 साल पुराना। तो मैं सिंपली यहाँ पे आ सकता हूँ मोर में और कोरोना डेटा पे जा सकता हूँ। अब वो कोरोना पेंडेमिक वाला नहीं है, ये US के पुराने सैटेलाइट से जो 1972 में लॉन्च हुए थे, काफ़ी एक एडवांस माने जाते थे उस टाइम के लिए। और ये 1972 के बाद के इमेज से तो एग्जैक्टली डेट नहीं पता चल रहा है, तो 40 50 30 साल पुराना डेटा हो सकता है। तो मैं सिंपली सैटेलाइट इमेज रिपीट टाइप करूंगा और वो अपने आप वो सैटेलाइट का डेटा लोड करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ घर वगैरह ज़्यादा थे ही नहीं इस कैपिटल में, फील्ड्स वगैरह काफ़ी दिख रहे हैं। अब सिंस ये ओल्ड है तो उतना शार्प होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे मेरे को चेंजेस दिखना है तो सिंपली मैं अनटैप कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो बीच बड़ा हो चुका है उस टाइम से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, कोरोना डेटा डायरेक्टली आप यहाँ देख सकते हो। वैसे भी आप सेपरेटली जाके भी देख सकते हो, पर अब यहाँ पूरा अरेंजमेंट कर दिया आपके लिए। मुंबई देख लेते हैं हम लोग। सपोज मेरे को मुंबई देखना है तो मैं जूम आउट करके मुंबई पे जाएंगे और फिर मुंबई को दिखाता हूँ, एकदम ड्रास्टिक चेंजेस है कुछ जगह पे। राइट, मैं यहाँ गेस कर रहा हूँ लिटरली, मैं मैप्स पे बहुत खेलता रहता हूँ। तो हाँ, तो अभी बैंड्रा वाली सीलिंग के पास चले जाते हैं क्योंकि वहाँ तो कंस्ट्रक्शन हुआ है, राइट, हमें ओल्ड डेटा दिखेगा। तो ये रहा जो करंटली दिखता है, आप देख सकते हो ये रोड आता है यहाँ से, ये वो फ्यूचर कोस्टल रोड तक जाएगा। मैं ये सब ओवरलेस डिजेबल कर देता हूँ सीधा भुवन पे टैप करके। अभी अगर मेरे को कोरोना देखना है तो मैं कोरोना पे टैप करूँगा और फिर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। ये बीच इनफैक्ट श्रिंक हुआ है शायद यहाँ पे, और यहाँ पे लैंड रिक्लेमेशन भी हुआ था वो ब्रिज के लिए। तो आप देख सकते हो काफ़ी चेंज है। सेम थिंग अगर मैं मुंबई का एयरपोर्ट दिखाऊँ तो यहाँ पे हूँ मैं अभी मुंबई के एयरपोर्ट पे। अगर मैं यहाँ मैं कोरोना को स्विच करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये टर्मिनल वगैरह था नहीं और काफ़ी सारे रोड्स चेंज हो गए, कुछ हैंगर्स चेंज हो गए, रनवे ऑल दो सेम है और वो वाइड हो गया वो पानी का वे। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं इस चीज़ में, आप देख सकते हो। और फॉर फन अगर मैं इसरो के लॉन्च साइट पे जाऊँ तो हम देखेंगे कि वहाँ अवेलेबल है कि नहीं। तो ये रहा इसरो का, तो फर्स्ट लॉन्च पैड देखते हैं क्योंकि सेकंड लॉन्च पैड ऑब्वियसली बाद में आया था तो वो तो होगा नहीं अगर ये नहीं है तो ये नहीं है। और सेम विद सेकंड लॉन्च पैड ऑब्वियसली। और अगर मैं SLV के पार्ट को आऊँ जो यहाँ पे है नीचे, तो इसका कुछ कुछ दिखता है, इमेज बहुत अनशार्प है ऑब्वियसली।
तो इसको लोड होने दो। नाइस, उतना ही पार्ट लोड नहीं होगा। तो यहाँ कुछ कुछ दिखता है, उतना भी शार्प नहीं इमेजरी पता चलने के लिए। तो ऐसे बहुत कुछ आप रिसर्च कर पाओगे। शायद आप ये करियर ही ले लो इस पूरे चीज़ को, GIS कहते हैं, ये पूरी एक करियर है। तो मैं भुवन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप कर सकते हो रिसर्च। और एक वीडियो भी दे दूंगा भुवन का ट्यूटोरियल, जो इसरो की तरफ से ही है, वो भी आप देख सकते हो आपको ज़्यादा जानना है तो। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। तो बस एंजॉय करो और शेयर करो मेरे साथ। मैंने जब मंगलयान का दिखाया था डेटा एक्सेस करना, तब काफ़ी लोगों ने शेयर किया था, आप भी कर सकते हो। ट्विटर वगैरह के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन में। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकिया देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रौंडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, संदीप रामकृष्ण, वीव, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव और कुछ भी मेहता। थैंक यू सपोर्ट के लिए सब मेंबर्स को।